नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके नाम का विशेष अर्थ है। चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटा के समान। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा की वजह से उनका नाम पड़ा। देवी का ये स्वरूप भक्तों में साहस और वीरता भरता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का रौद्र रूप है, लेकिन उनका ये रूप तभी दिखता है जब वो क्रोधित होती हैं। भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए माँ ने अपने हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता को राक्षसों की वध करने वाली माँ कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा के पूजन और मंत्रों के जाप से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ के तीसरे स्वरूप को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति में वीरता का संचार होता है और शत्रु पर विजय मिलती है। आपको बता दें कि आज चंद्रघंटा माता की उपासना की जाती है, इनकी पूजा की जाती है और जो माता है वो पूजा करने पर प्रसन्न होती हैं और भक्तों को तमाम तरह के फल देती हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करती हैं। हम आशा करते हैं कि माता चंद्रघंटा आपके सभी दुखों को दूर करें।